उत्तराखंड की उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ और मौके का जायजा लेने के लिए खुद एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचने वाले थे। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कि मध्य प्रदेश यहां से काफी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुंचा सकेंगे। उन्होंने एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की है, 2 बजे एयरफोर्स का विमान यहाँ आ जाएगा, तब तक एम्बॉर्मिंग का काम भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ पहले से मौजूद रहेगी जो तुरंत उनके गांव तीर्थयात्रियों के शवों को ले जाएगी और हमारी कोशिश है कि पूरे सम्मान के साथ हम मध्य प्रदेश उनको पहुँचा पाएँ और आज ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए। 4 लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है, रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मैं रात को मैक्स अस्पताल गया था, घायलों से मैंने बातचीत की, डॉक्टरों की टीम पूरी मुस्तैदी से घायलों के इलाज में लगी हुई है। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री, उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए की, मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी, 50,000 रुपये की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए इसका इंतजाम भी करेंगे। मैं आज विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभारी हूँ। घटना के तत्काल बाद मेरी बात हुई थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने राहत और बचाव के काम प्रारंभ कर दिए थे।